Namaste. I am Dr. Vishakha, Ayurveda expert at IFA Ayurveda India. I am back yet again with a new success story of health and healing. This time we will be telling you about a pediatric case where you will listen to conversation between patient's mother and our treating doctor, Dr. Sahil Gupta. Jovan Sahota, a 3-year-old male patient living in Canada who was suffering from allergy march, having tree nut allergy, peanut allergy, angioedema and childhood asthma. Just like any other caring parent, Joanne's mother was always worried about him and wanted the best for her son. She was constantly thinking about what to feed him so that he can live a healthy life. That is when IFA Ayurveda came to her rescue. Through her rigorous online search, she found out our website and then connected with us. Patient's mother then booked an online consultation with our founder, Dr. Sahil Gupta, who has more than 14 years of experience in treating allergies. The further story, you can hear it directly from Dr. Sahil Gupta and patient's mother, Mrs. Rajvinder Kaur. Hello, Rajvinder Kaur, ma'am. Hello, sir. Ma'am, greetings. How are you? I'm good, sir. How are you? Fine, ma'am, fine. First of all, ma'am, thanks for your support, and you are on the IAFA channel, Institute of Applied Food Allergy channel. So, first of all, मैं अपने आप को introduce कर देता हूँ. Myself, Dr. Sahil Gupta, from Institute of Applied Food Allergy, IFA Ayurveda India. So, आज हमारे साथ हैं राजविंदर कौर मैम, जो कि कैलगरी कनाडा से हैं. मैम, आपके बेटे जॉवन, जिसकी एज 3 years है, जिसको मल्टीपल फूड इंटॉलरेंसेस थी और जिसकी वजह से और भी काफी एलर्जीज और एलर्जीज से रिलेटेड सिम्टम्स थे. सो आपने हमारे पास फरवरी 2022 में अप्रोच किया था ऑनलाइन, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद जॉवन का ट्रीटमेंट हमने यहां से मेडिकेशंस भेज के स्टार्ट किया था. और आपको शायद बिलीव भी नहीं था कि आयुर्वेदा में बच्चों के लिए फूड इंटॉलरेंसेस के लिए या अदर ट्रीटमेंट्स के लिए क्या आयुर्वेदा पॉसिबल है इन चिल्ड्रंस आल्सो. सो व्हाट आर दी सिम्टम्स, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जॉवन की जो हेल्थ हिस्ट्री है, मींस फ्रॉम बर्थ, उसको क्या क्या सिम्टम्स थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको आ रही थी, कब आपको पता लगा कि इसको फूड इंटॉलरेंसेस हैं, और पैरेलली फूड के साथ साथ और कौन से डिसऑर्डर्स थे जिनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे और जिनके लिए आप आईफा में आए थे, तो थोड़ा सा आप एक बार ब्रीफ कर दें. नमस्ते सर, मेरा नमस्ते. सोने के बाद 1 बजे के बाद इसकी पानी उछीन के स्टार्ट हो जाती थी. जैसे एक दो वीक ऐसा
की रात होती सोता और रात को रोने लग जाता था, छींकें कंटिन्यू आती थी, नाक से पानी आता। मैं सोचा कि ये वेदर चेंज होने की वजह से हो सकता है, इसको जुकाम हो सकता है, फ्लू हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यू होने लगा इसे तो होते भी कंटिन्यू हुआ ऐसे। और उसके बाद हमने ये नोटिस किया कि जैसे ही ये थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलता था या भागता था तो इसकी सांस फूलती थी, इसको इतनी ज्यादा खांसी आती, कई बार तो खांसी से वॉमिट भी हो जाती थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी इसे। तो एक दिन मैंने ऐसे बैठे बैठे अचानक से गूगल पे सर्च किया कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो मुझे आता वो जो नीचे नंबर और आपको एड्रेस वो सामने आया, तो मैंने उस पर मैसेज किया, तो फिर मेरी आपसे बात हुई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम इसकी बढ़ रही है। लेकिन मुझे कई लोगों ने ये भी बोला था कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें आप ऐसे मत पढ़ो, आपको थोड़ी जितनी टाइम आप मेडिसिन लोगे उतनी टाइम ठीक रहेगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम वैसे ही हो जाएगी। तो मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसको पंप शुरू कर दो, आप जो होता है अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है वो शुरू कर दो, मे बी उसे आपका बच्चे का फ्यूचर में 5 साल के बाद प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने वो नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है, मैंने अपनी फैमिली हिस्ट्री में देखा है कि अगर एक बार अपने जीते हैं पंप तो बच्चे को हैबिट हो जाती है उसकी। तो मैंने वो डॉक्टर ने जो मुझे स्लिप दी थी वो मैंने वैसी की वैसी फेंक दी, मैंने वो लिए बाय नहीं किया। तो फिर मेरी आपसे बात हुई और आपने मुझे ये पूरा ऐसे विश्वास दिलाया था कि ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि जब जो मैं इतना टाइम पे कर रही है तो मैं 6 मंथ और वेट कर लूँ वो मेडिसिन से ट्राई करूँ। तो मैंने आपसे वो मेडिसिन मंगवाई, वो मेडिसिन के बाद इसको 1-1.5 महीना मुझे लगा कि ज्यादा ये ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैंने वो मेडिसिन कंटिन्यू रखी, मैंने बीच में बंद नहीं की, वो बिल्कुल भी बंद नहीं की। तो 1.5 महीने के बाद धीरे धीरे इसकी जैसे स्किन का बिल्कुल इसकी 3 महीने का मैंने पूरा वो मैंने कंप्लीट किया है 3 मंथ का, तो 3 मंथ के बाद इसकी स्किन ना बिल्कुल साफ है, इसे कोई बीमा नहीं है, इसकी नेजल एलर्जी है वो बिल्कुल ठीक है, इसको चाहे किसी मर्जी वेदर में मैं लेके जाती हूँ, कोई छींक नहीं है, कोई नाक से पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके बिल्कुल ठीक है। और जो इसकी सांस फूलती थी सबसे मेन प्रॉब्लम थी, जो डॉक्टर ने बोला था कि इसकी अस्थमा हो जाएगा, वो तो सर 1 महीना हो गया इसको, मैंने इतना यहाँ पे खेलता है, इतना भागता है पार्क में, कभी नहीं देखा था कि इसको खांसी आ रही है या वॉमिट आ रही है, इसकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सिर्फ मुझे वो नर्स का थोड़ा डाउट है क्योंकि वो मैंने अभी चेक नहीं किया है, क्योंकि अगर इसको नर्स देंगे तब पता चलेगा कि इसको प्रॉब्लम है या नहीं, वो मैंने नर्स से इसको दूर रखा हुआ है अभी। लेकिन एक मैंने नोटिस किया है थोड़े दिन पहले ही, इसको जैसे हमने वो जो बर्गर था उसके ऊपर वो तिल लगे होते हैं ना वो खिलाया था, तो पहले ही मैंने एक बार ट्राई किया तो उसके इसके प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन इस बार उससे प्रॉब्लम नहीं हुई। सीसम सीड्स, मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है सीसम सीड्स, तो मुझे थोड़ा सा हाँ जी सीसम सीड्स, मुझे अब ये भी लग रहा है कि इसकी धीरे धीरे मे बी नर्स वाली भी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, क्योंकि इसे ज्यादा हुई थी लेकिन मामले से हुई थी, पहले इसके बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मुझे तो यही कहना है कि मेरे लिए ये तो ऐसे कि भगवान की तरफ से एक वरदान है कि मेरा बेटा ठीक हो गया इस मेडिसिन से। अगर मैंने अब और मंगवाई है 3 मंथ की, अगर मुझे लगेगा कि ये ठीक हो रहा है तो मैं और भी मंगवाऊंगी, लेकिन मुझे बस ये है कि मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। तो मैं मुझे तो ऐसे वो 90% मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है इस मेडिसिन से, और अब ये आपने जो चेंज करके दी है मेडिसिन वो भी मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ले रहा है, भागता है, खेलता है, इतने यहाँ पे 2-3 दिन से इतना रेनी सीजन हुआ पड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग आया, लेकिन इसको एक सिंग तक नहीं आई, इतनी अच्छी मेडिसिन है। सो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत लॉट्स ऑफ थैंक यू। आपका बच्चा देखो, आपको नहीं पता था कि उसको फूड इनटॉलरेंसेस के कारण वो एक्जिमा में जा रहा है, और एक्जिमा के साथ साथ पैरेलली धीरे धीरे वो नेजल एलर्जीज मतलब एलर्जिक राइनाइटिस में प्रोसीड कर रहा है, और देन अस्थमा। तो ये ट्रेंगुलर तरह का एलर्जी मार्च होता है, मतलब कि बच्चे को इनटॉलरेंसेस के कारण एक्जिमा होता है, और हम एक्जिमा का ट्रीटमेंट करते रहते हैं या नेजल एलर्जीज का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, ठीक है, या अस्थमा के लिए इनहेलर्स वगैरह पे आ जाते हैं, बट दी रूट कॉज जो है इनटॉलरेंसेस, जैसे बच्चे को पहले मिल्क इनटॉलरेंस भी थी, पैरेलली नट्स इनटॉलरेंस भी थी, और बच्चा जैसे ही इंजेक्शन करता था तो बच्चे के लिप्स में स्वेलिंग मीन्स एंजियोडीमा और अर्टिकेरिया भी कहते हैं उसको, उस तरह के हाइव्स आ जाते थे, स्किन रैशेस रहते थे, तो इमीडिएटली मतलब बच्चे को वो कंज्यूम करने पे, मिल्क कंज्यूम करने पे या फूड जो एलर्जन की तरह बिहेव कर रहे हैं वो कंज्यूम करने से बच्चे को इमीडिएटली मतलब अटैक आता था, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते थे, तो वो धीरे धीरे मतलब
मतलब अर्टिकेरिया के तौर पे, नेजल एलर्जीज में छींकों के तौर पे, रनिंग नोज के तौर पे और नजले के तौर पे यूं कह सकते हैं, और पैरेलली साथ साथ जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब बच्चा भाग दौड़ रहा है, खेल रहा है, तो उसमें भी बच्चे को क्या है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, थोड़ा थोड़ा वो एक्यूट फेस में जा रहा है अस्थमा के। तो ये कि समझने वाली बात है कि एलर्जी मार्च, उसका जो मेन रूट कॉज है फूड इंटॉलरेंस, उसको क्योर करो, ये प्रॉब्लम जो है अपने आप क्योर हो जाएंगी, मतलब नेजल एलर्जीज, अस्थमा एंड अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्जिमा, रिलेटेड टू दी फूड इंटॉलरेंसेस। तो एलर्जी मार्च के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने की जरूरत थी। हमने आपके बच्चे में एलर्जी मार्च पे ही काम किया, मींस हमने एक्सटर्नली नेजल एलर्जीज को बैलेंस किया, एक्सटर्नली हमने एक शिशु डायपर रैश ऑयल से उसके एक्जिमा को बैलेंस किया, एक्सटर्नल इंटरनल हमने कोई मेडिकेशन उसको नेजल एलर्जीज के लिए या स्किन एक्जिमा के लिए कुछ नहीं दिया, हमने इंटरनली बच्चे को रूट कोज फूड इंटॉलरेंसेज के लिए दिया। ओके, और हमें 3 मंथ्स में ही एक यू कैन से दैट कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले और वो आपके सामने ही हैं। तो एक तो पेरेंट्स में मैम डर होता है, आपके मन में भी होगा कि बच्चों का मैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ, बड़ों में ही इम्पॉसिबल सा होता है, या बहुत जगह से सुनते हैं कि पॉसिबल नहीं है, इलाज नहीं मिलता है, या जब तक खाते हैं जैसे आपने कहा। तो अब जौवन के केस में ही आपने देखा कि हमने किस तरीके से पीडियाट्रिक ड्रॉप से जो आयुर्वेदा की बनाई हुई है IAFA ने, उनके थ्रू मतलब ट्रीटमेंट किया, और आपको कुछ ऐसा बीच में किसी मेडिसिन को या किसी आयुर्वेदिक रिमेडी को लेने पे कुछ ऐसा बच्चे ने ऐसा कुछ मतलब रिजेक्ट किया हो या रिफ्यूज किया हो, या कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आई हो? उसमें किसी तरह का मतलब उसमें आर्टिफिशियल कुछ स्वीटनर या कुछ ऐसा नहीं डाला जाता, तो स्पेसिफिकली वो थोड़ा सा नेचुरल टेस्ट का होता है, तो थोड़ा बच्चों को लगता भी है। तो मतलब आपको कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि आयुर्वेदा में बच्चे ठीक हो सकते हैं और फूड इंटॉलरेंसेस भी ठीक हो सकती हैं, जो कहते हैं कि आज के दिन मॉडर्न वर्ल्ड कहता है कि फूड इंटॉलरेंसेस ठीक ही नहीं हो सकती हैं, इनको तो छोड़ दो, खाओ मत तभी ठीक रहेगा, और अस्थमा जो है एज के साथ ठीक हो जाएगा, बट आपने देखा कि मतलब कैसे बैलेंस हो सकता है सब कुछ? स्पेसिफिकली जो हमें बच्चों पे ही काम कर रहे हैं और इनटॉलरेंसेस पे, फूड इनटॉलरेंसेस पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब जब हम मिल्क स्टार्ट करते हैं बच्चों का, मिल्क अदर देन मदर फीड, तो स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज में A1 मिल्क है, A1 कैजिन प्रोटीन मिल्क है, जो कि A1 के अंदर 2 ऐसे हिडन पार्ट होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में, और जो कि जिनका मतलब अमीनो एसिड कह सकते हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं, वो ब्रेक डाउन ही नहीं होता है, मींस मतलब परेशानी होती है इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन जो है उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब अनडाइजेस्टेड फूड यू कैन से दैट आम की उत्पत्ति होती है, और धीरे धीरे स्रोतों के अंदर अति प्रवृत्ति होती है, और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज डिफरेंट डायरेक्शंस में या डिफरेंट ऑर्गन रिलेटेड होने शुरू हो जाते हैं, जैसे स्किन का हो गया, स्किन एलर्जीज
नेजल एलर्जीज, रेस्पिरेटरी के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और अस्थमा, तो ये सब प्रोसीड होता चला जाता है बच्चों में। और बच्चा एलर्जी मार्च में फंस जाता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं कहाँ ट्रीट, मतलब मैं स्किन का ट्रीटमेंट करवाऊँ या मैं नेजल का ट्रीटमेंट करवाऊँ या मैं अस्थमा का ट्रीटमेंट करवाऊँ। और बहुत से पेरेंट्स को तो ऐसा भी होता है कि उनको फूड इंटॉलरेंसेस का पता भी नहीं लगता है और ट्रीटमेंट जो है अस्थमा का चलता रहता है, और अस्थमा के रूट कोज का पता नहीं होता और ट्रीटमेंट अस्थमा का चलता रहता है लाइफ लॉन्ग, मतलब वो एक बच्चा अस्थमा में मतलब चला जाता है। तो अगेन मतलब बेस्ट विशेस फॉर योर चाइल्ड जोवेन फ्रॉम अस, एंड उसकी हेल्थ ऐसी ही रहे और बहुत अच्छे से वो ग्रो करे और ऐसे ही मतलब चलता रहे। सो मैम आप हमारे आईफा के लिए या फूड इंटॉलरेंसेस में जो हम काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और उसके लिए आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब रिगार्डिंग इंटॉलरेंसेस एंड द ट्रीटमेंट प्लान गिवन बाय द आईएफए। As you can see in this video, the mother was advised not to take Ayurvedic treatment, but then she gave Ayurveda a chance to heal her son naturally and from the root of the disease. There is nothing more satisfying than seeing the patient's mother so happy and relieved, and our young Joy living a disease-free, healthy life. We at IFA Ayurveda believe in prioritizing your health. So if you or anybody around you is suffering from allergies and is finding ways to heal it naturally, you can let us know in the comment section or book an online appointment from our official website. The link has been mentioned in the description box. So till then, take care, stay healthy, live allergy free. This is Dr. Vishakha signing off on behalf of IFA Ayurveda. Until we meet again, take care.